गोल लगातानी समाचार बक्सर सेवा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। यह लॉकडाउन में लोग के का स्थिति बा, वैसन लोग जौन प्रवासी मजदूर बने, चाहे भेड़ पालक बने, चाहे हथकरघा उद्योग वाला बने, एकरा पो एगो संक्षिप्त चर्चा भोजपुरी समाचार करे जा रहल बटुए। रउरा सबे ध्यान पूर्वक खबर के देखब आ पूरा अंत तक देखब। एह बिंदुवार सब्जेक्ट पो एह बिंदु पो डीएम साहब का कहनी आ साथे साथे अधिकारी पदाधिकारी का कहत लोग। भोजपुरी समाचार आज ही सब कुछ बताई, तो खबर विस्तार से सुनी। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर खातिर सरकार के अनेक योजना चल रहल बा, जेकरा तहत 14 गो मशीन के कैल गेल बा व्यवस्था, जेकर उद्घाटन डीएम अक साहब कैनी। वहाँ के बतैनी कि रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग खातिर अभी 14 गो मशीन के व्यवस्था कैल बा, समय के साथ साथ अभी एक और विस्तार कैल जाए, साथ ही साथ ऐसा व्यवस्था कैल जाए कि लॉकडाउन में अपना घर लौटल प्रवासी श्रमिक लोग के बाहर ना जाए के पड़े। यही योजना के तहत अपना जिला में पहले से मशरूम उगावे के इकाई या कंबल बनावे के इकाई के शुरुआत कैल जा चुकल बा। आवे वाला कुछ दिन में जिला में मध व्यवसाय उत्पादन के व्यवस्था भी कैल जाए। ओजे जिलाधिकारी बतैनी कि रेडीमेड्स गारमेंट्स इकाई में फिलहाल 11 गो स्थानीय कुशल श्रमिक के कार्य प्राप्त भइल बा, आगे इनकर संख्या में बढ़ोतरी कैल जाए। एकरा साथे साथे फर्नीचर उद्योग के भी बढ़ावा दिहल जाए। फर्नीचर उद्योग में दक्ष माने कलाकार कामगार के एहमे रोजगार उपलब्ध करावल जाए। जब यह मामला में उद्घाटन कैल गई शिव शक्ति उद्योग केंद्र बक्सर पर जाए के बाद पता चलल, भोजपुरी समाचार जब गई तो पता चलल कि कामगार खातिर लगावल गई जैक मशीन चाइनीज हटुए। एक तरफ जहां चाइनीज सामान के बहिष्कार कैल जाता है, वही जे जिला में लगावल गई जैक मशीन चाइनीज बटुए, जेकर मशीन के कीमत 30,000 बा। केंद्र में काम कर रहल दिल्ली से अपन घर बक्सर लौटल प्रवासी कामगार नईमुद्दीन अंसारी बतैले, जब ये काम मिल जाए तो हमनी के बाहर कहें जाए जाए, योजना से हमनी के खुश बनी जाए। एक तरफ जहां कंबल उद्योग के उद्घाटन भइल, वही बक्सर जिला के केसठ प्रखंड के केसठ गांव में ऐसा नज़ारा देखे के मिलल, जहां मांग के अभाव में भेड़ के बाल के बेकार में फेंके के पड़ता, वही कोनो खरीदार नहीं खा मिलल। भेड़ पालक के कहना बा कि हमारा आवे वाला पीढ़ी अभी काम करल पसंद नहीं है करल, पहले हमनी के भेड़ के बाल बेचत रही जा, वही अब एक कोनो खरीदार नहीं खन, ऐसे हमनी के गढ़ा में फेंक दी न जा। हमनी के सरकार के तरफ से ना कोनो दवाई मिलता, सरकारी दवाई सरकारी कर्मी या मकान मालिक से चुपके से खरीदे के पड़ता। अगर ये तरह के व्यवस्था हो जाए कि भेड़ पालक से भेड़ के बाल खरीद लिया जाओ तो हमनी के दिन दशा कुछ सुधर जाए। स्थानीय लोग के कहना बा जिला प्रशासन के प्रयास काफ़ी सराहनीय बा। ऐसे एक तरफ जहाँ प्रवासी कामगार के रोजगार उपलब्ध हुई, वही दूसरा तरफ किसान एवं पशुपालक के भी फायदा हुई। भेड़ पालक के स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रहा, सरकार के चाहेंगे कम से कम ये भेड़ पालक पर ध्यान दी, कहे से कि इन लोग के भेड़ के बाल अब दिक्कत नहीं है, मजबूरन इन लोग काट के गढ़ा में फेंके के मजबूर बने। विभाग के सरकार के पर संज्ञान लेवे के चाहिए, कहे से कि रोड़ा सब जब खबर में देखब तो भेड़ पालक कहत हम कि हमने के आवे वाला पीढ़ी के कबो सीखना देव जाए कि काम करो। सरकार और प्रशासन पर आश्रित बा लोग कि कौना तरीका से लोग के राहत दिया था, पूरा खबर अंत तक देखो विस्तार से देखो। कैसे मिलता है अपना पैसा ले कौन देता है कहता है कि सरकारी दवाई है आप पैसा लेता है तो उस पर आप लोग आपत्ति नहीं करते हैं? हम लोग क्या आपत्ति करें, कहता है कि दाम लगेगा तो बोल रहे थे अभी कि छुपा के ले जाने के लिए। हाँ मैंने पैसों देम जा तबो कही हन आ कि लुकवा के ले जो लोग कोई देखे मत। कौन ये देता है दवा? देता है नन कुमार। मकान किसके मकान में है? वो बंगाली दुबे के मकान में। पहले के जमाने में कमर बिनात रहे, आई उन्हीं आमी के बेचते हैं 50 रुपये किलो, आई घर कोई नहीं खे पूछ। अभी 50 रुपये किलो बिक जाता था उस समय? वो घर बिक कितने साल पहले? आज हो गए 15-20 साल ले। 15 साल के बाद अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है? ना एक और पहले कुछ वैल्यू नहीं है। अभी कहाँ ही लोग आप लोग क्या करते हैं? बिक देता है लोग यहाँ में।
हाँ कोई गिरहत के खेत में ना नु रही गढ़े में फेंका जी। अच्छा आपके बाल बच्चे अभी इस व्यवसाय को करने के लिए लोग इच्छुक हैं कि नहीं? अब वो लोग नहीं बाल बच्चा देखा लोग आ करत अब हम लिया के जब ले पाएंगे तब ले। कितना भेड़ पाले हैं अभी? 2200। साल में कितना आमद हो जाता है? आमद अगर कोनो थी ना के 1.5 लाख के हो जाए तो एक साल मेहनत करते हैं तो हाँ इसका दवा अगर बीमार पड़ती है तो कहाँ से आप लोग लाते हैं? नल मेडिकल पर हमें कुल बाजार में सरकार के तरफ से नहीं मिला था। सरकार के तरफ नहीं मिला। यहाँ तो है अपना दुकान तो है पशुपालन का तो पशुपालन के नहीं मिला था हमने के नहीं मिलता है नहीं मिला। खुलता है कि नहीं यहाँ पे? ना। क्या नाम है आपका? राजमंगल पाल। घर? केसर। जो है जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के महामारी के जब प्रवासी जब यहाँ पे आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो VC से भी जो हर एक क्वारंटाइन केंद्र में उनसे बात की गई थी और एक बात जो उभर के आई थी कि बहुत सारे लोग जो चाह रहे थे कि यहीं पे उनको कुछ रोज़गार मिल जाए तो जो है वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो उसी को लेकर जो है औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना का जो है जिला में शुरुआत करने को कहा गया था जिसको लेकर 5 क्लस्टर बनाने के लिए हम लोगों को प्रति क्लस्टर 10-10 लाख रुपये देने का ये किया गया था। उसी आलोक में हम लोगों ने जो है बक्सर में हम लोग 3 क्लस्टर हम लोगों ने अभी तक डेवलप कर दिया है जहाँ से प्रोडक्शन भी चालू है। एक हम लोग का डुमराओं में आपको पता है कि मशरूम का क्लस्टर हम लोगों ने डेवलप किया है। पहले बक्सर में जो मशरूम का जो स्पॉन होता है वो बाहर से मंगाया जाता था और वो कॉस्टली होता था तो हम लोगों ने यहीं पर स्पॉन लैब हम लोगों ने स्थापित किया है और बक्सर के जो भी मशरूम ग्रोअर हैं जो मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं वो यहीं से क्रय करके जो है मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। उससे इकोनॉमिकल भी है और जो है उनको जो है बेटर उत्पादन भी उनको मिलेगा। दूसरा क्लस्टर हम लोगों ने सिमरी में ये किया है जिसमें कंबल उद्योग उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है और इस बार कंबल का उन्होंने प्रोडक्शन भी किया है और मार्केट में भी कुछ 100 कंबल बेचे हैं और सामाजिक सुरक्षा के में जो हम लोग का वस्त्र जो वितरण का जो कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत हम लोगों ने कंबल का क्रय करके वितरण करवाया है। तीसरा जो है हम लोगों का जो वस्त्र का जो हम लोग उद्योग लगवाने का प्रयास किया है तो कल जो है हम लोग पीपी रोड में करीब 14 मशीन देके हम लोगों ने शुरुआत की है और उनका प्रोडक्शन जो है हम लोगों का एक सप्ताह में शुरू होगा। आगे भी 2 योजनाएं जैसे हम लोग मधुमक्खी पालन और फर्नीचर वाले पे हम लोग काम कर रहे हैं अगले 15 दिन में हम लोग उसको भी क्रियाशील करने का प्रयास कर रहे हैं।